सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल था, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। तो तीर लगाए निशाने पर, उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे, उसे अहीर कहते हैं। भैया पीछे जो खड़े बैठ जाओ, दोबारा ना बोलना पड़े मुझे, निवेदन है आपसे। आज जल्दी के लिए बोला तो यही माहौल रहता है, 1:30 बजे तक मैं आती हूँ ना, 1:15 बजे, तभी पता चलता है कि हाँ पंडाल में सब बैठे हैं, इन्हें बैठाना पड़ता है। वैसे यहाँ के तो सब समझदार हैं, बढ़िया हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आइए 2 मिनट, छोड़ेंगे न हम तेरा साथों का ना, मरते दम तक भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की,
आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के योग्य बुजुर्गो, प्यार करने बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पंडल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगढ़, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का सातवां दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। अभी हमारे बड़े भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे। महाराज, हर एक वक्ता का यह नियम होता है, कथा से दो मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है, तो प्रेम से ताली बजा के दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे तू अपना लिख दे सवरिया मेरे सारे बदन पर, हाँ नाम तू अपना लिख दे प्यारे मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना चुनरी को ओर में तो नावन जाऊंगी, श्याम की मोह पे पड़ेगी
श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे काली वन का और भगवान का यज्ञ। जरा सुनने किस प्रकार से मथुरा नगरिया पर हमला बोला।